नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी अपडेट क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जा करके dbtagriculture.bihar.gov.in डाल करके सर्च करना होगा। उसके बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आप इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो आपको एक आवश्यक सूचना मिलेगा, जहाँ यहाँ आवश्यक सूचना करके ड्रैग कर रहा है। उसके बाद देखिएगा आवश्यक सूचना में लिखा है कि सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है, यानी जो ईकेवाईसी अभी हो रही थी उसका डेट बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दिया गया है, अंतिम तिथि कर दिया गया है, यानी लास्ट चांस दिया गया है कि आप 31 जुलाई 2022 तक ईकेवाईसी करा ले। आगे बताया जा रहा है कि अंतिम तिथि बहुत करीब है, इसलिए आज ही अपना ईकेवाईसी करें। 31 जुलाई 2022 के बाद ईकेवाईसी नहीं करने पर भारत सरकार आपको अयोग्य यानी मृत मानेगी। ऐसे लाभुकों को योजना में आगामी कोई भी किस्त नहीं दिया जाएगा। यानी आप 31 जुलाई 2022 तक अपना ईकेवाईसी नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं, तो उसके बाद आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद से पीएम किसान का कोई भी किस्त आपको नहीं मिलेगा। आगे बताया जा रहा है, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तब आप घर बैठे ही पीएम किसान पोर्टल यानी pmkisan.gov.in पर जाकर के ओटीपी की मदद से ईकेवाईसी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं होने पर अपने पास के वसुधा केंद्र यानी CSC सेंटर से बायोमेट्रिक तरीके से ईकेवाईसी करा सकते हैं। बायोमेट्रिक तरीके से ईकेवाईसी के लिए आपको वसुधा केंद्र को ₹15 देना होगा। ₹15 भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है। यदि कोई वसुधा केंद्र ज़्यादा शुल्क वसूली करते पाए जाए तब तुरंत साक्ष्य के साथ पंचायत के कृषि समन्वयक एवं वसुधा केंद्र के जिला प्रबंधक को सूचित करें। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में agribtsale1@gmail.com पर ईमेल करें। DVD कोषांग कृषि विभाग बिहार सरकार। इस तरीके से ये सूचना दिया गया और सूचना में बताया गया कि 31 जुलाई 2022 तक आप अब अपने फ़ोन के माध्यम से भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ईकेवाईसी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत में ईकेवाईसी केवल ओटीपी के माध्यम से हो रहा था, मतलब जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है और उनका वही मोबाइल नंबर किसान रजिस्ट्रेशन में लिंक है, तो उनका OTP के माध्यम से ही ईकेवाईसी हो रहा था। बाद में फिर बायोमेट्रिक से होना शुरू हो गया, तो इस समय दोनों पोर्टल खोल दिया गया है। मतलब आप अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और पीएम किसान में भी यानी किसान रजिस्ट्रेशन में भी लिंक है, तो आप OTP के माध्यम से अपना ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी CSC सेंटर पर जा करके, किसी वसुधा केंद्र पर जा करके अपना ईकेवाईसी बायोमेट्रिक के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन ईकेवाईसी अगर आप वसुधा केंद्र और CSC सेंटर पर कराते हैं तो उसके एवज में आपको ₹15 चार्ज देना होगा। अगर 31 जुलाई 2022 तक अपना ईकेवाईसी नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपका पीएम किसान रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद से आपको किसी प्रकार की कोई भी किसान के रूप में सहायता नहीं मिलेगी। तो ये आवश्यक सूचना है किसान भाइयों के लिए। और किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, जिनके पास अभी तक ये सूचना नहीं मिला है और जिनका अभी तक ईकेवाईसी नहीं हुआ है, जो लोग छूटे हुए हैं, वे अपना ईकेवाईसी या तो ओटीपी के माध्यम से या किसी CSC सेंटर पर जा करके करा लें। आशा है कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ईकेवाईसी कराना 31 जुलाई 2022 तक ज़रूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो अयोग्य घोषित करके आपका किसानी यानी पीएम किसान रद्द कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने लोगों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिन्हें अगर मालूम नहीं है, जो अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराए हैं, वे इस वीडियो को देख करके अपना ईकेवाईसी करा लें। इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।